ऐ तमाम इंसानों, हमने तुम सबको पैदा। अब अगला नुक्ता समझ लीजिए कि इसमें ख्याल पैदा होता है कि फिर इंफरादियत तो इसमें दब गई, इसका मतलब यह कि दीन का असल मकसूद जो है वो तो इज्तिमाइयत हुई, जबकि हमने तंजीम इस्लामी की करारदाद तासीस का पहला जुमला यह रखा है कि दीन का असल मुखातब फर्द है। ये एक कंट्रास्ट है, तजाद है। हाउ टू रिजॉल्व इट, कैसे खत्म होगा, इसकी तहलील कैसे होगी। दीन का असल मुकातिब फर्द है, लेकिन फर्द अगर जालिमाना निजाम के तहत है, इस्तेसाली निजाम के तहत है, तो उस निजाम के तहत इंसानों की, अफराद की अजीम अक्सरियत ढोर डंगर बनकर रह जाती है, वो इंसान रहती नहीं। वो यूं समझिए कि बार बर्दारी का ऊंट, कोलू का बैल, वो उसके पास मौका कि अपने खालिक को पहचाने, उससे कोई लॉ लगाए, उससे कोई मोहब्बत करे, ना उसके पास वक्त, ना उसके पास सलाहियत। दिन रात की कमर तोड़ देने वाली मुशक्कत के बाद तो बमुश्किल उसे दो वक्त की या डेढ़ वक्त की या एक वक्त की रोटी अपने और अपने बच्चों के लिए मिल रही हो, कहां उसे खुदा का ख्याल और आखिरत का ख्याल, और कहां उसके लिए जो है किसी आला तसव्वुर को अपने जहन में लाने के लिए कोई मौका, वो तो ढोर डंगर बन जाते। ये बात है जिसमें यूं समझिए कि 12वीं सदी के मुजद्दिद आजम शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है। उन्होंने वादे किया है कि जिस माशरे में तकसीम दौलत का निजाम गलत हो जाए, उसके नतीजे में एक तरफ दौलत के अंबार लग जाते हैं जिससे अय्याशी और बदमाशी पैदा होती है, दूसरी तरफ एहतियाज और फक्र पैदा हो जाता है, जिसके नतीजे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कादल फक्र व यकूना कुफरा, अक्सरियत उधर गई, कादल फक्र व यकूना कुफरा, और जिन थोड़ी सी अकलियत के पास दौलत के अंबार लग गए वो अय्याशियों और बदमाशियों के अंदर मदहोश हो गए। लिहाजा ये वो जो एक असल मकसूद है कि अफराद नौए बशर अल्लाह के साथ लौ लगाए, इसका इम्कान ही नहीं रहता जब तक कि उन्हें इन बंधनों से आजाद ना किया जाए, उनके लिए वो फिजा ना पैदा की जाए जिसमें कुछ आजादी से सांस ले सके। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। ये रोजगार का जो जब ये निजाम इस तरह का हो जाता है तो दर हकीकत फाइनल जो है वो क्या है, ताकि अफराद को वो आजादी हासिल हो जाए कि वो कभी अपने अंदर भी झांक सके, कभी को मुराकबा भी कर सके, कभी वो गौर व फिक्र भी कर सके, कभी वो आसमान और जमीन के इशारों को भी पढ़ सके कि ये आसमान क्या कह रहा है, ये जमीन क्या कह रही है, कभी उनका कोई अगर ये नहीं है और वो लगे हुए हैं वो कोलू के बैल की तरह आंखों पर उनके लगे हुए हैं वो बंद चश्मे और वो कोलू का बैल चक्कर खा रहा है, तो उसके लिए कहां मौका होगा कि जमीन क्या कह रही है, और फला यंजुरूना इलल इबल कैफ खुलिकत व इलस समाए कैफ रुफियत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्ज कैफ सुतिहत। कहां आज कराची में कितने लोगों को मैं समझता हूं कि न मालूम कितने दिन गुजर जाते होंगे कि ना जमीन देखने को उनका मौका मिलता है ना आसमान, मौका ही नहीं। फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, छत आसमान को देखने का सवाल ही नहीं, बाहर सड़क पर आएंगे तो आसमान को देखेंगे तो मर जाएंगे, वो तो सामने देखेंगे वो बचेंगे अपने ट्रैफिक से, जाएंगे दफ्तर में घुस जाएंगे किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, कहां आसमान कहां जमीन, कोई सरोकार ही नहीं। और अगर थोड़ी देर के लिए बस स्टॉप के ऊपर खड़े हुए तब भी जमीन को नहीं देख सकते, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, बस को देख रहे हैं किस तरीके से कैसे दाव लगाऊं, कहां पहुंचूं, किस तरीके से चढ़ूं इस पर। यार तो ये जो इसमें मुजमर शय है वो मैंने वाजे की है, वो इसमें वाजे नहीं है यहां, इसलिए कि यहां अभी सिर्फ मौजू है इस्लाम का इंकलाबी फिक्र है क्या। इससे अगली बात कि इसकी असल अहमियत अफराद के साथ क्या है, इज्तिमाइयत के और अफराद के माबैन रब्त व ताल्लुक क्या है, इस्लाम ने आकर इज्तिमाइयत को इतनी अहमियत क्यों दी है। इसलिए कि इस्लाम उस दौर में आया है, यानी इस्लाम इस शक्ल में जो आज हमारे पास है, जिसमें दीन की तकमील शुदा शक्ल हमें मिली है, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, ये जो हमारे पास इस्लाम है, इस्लामे के मन दारम, इस्लामे के मा दारेम, एक इस्लाम तो वो भी था जो हजरत मूसा के जमाने में था, वो भी इस्लामी तो था, एक इस्लाम वो भी था जो हजरत इब्राहिम के जमाने में था, वो भी इस्लामी था,
लेकिन इस्लाम के अंदर बड़ी तब्दीलियां आई हैं, इर्तका हुआ है। जैसे इंसानी तमद्दुन ने इर्तकाई मराहिल तय किए हैं और इंसान इंफरादियत से लेकर इज्तिमाईयत की इस मंजिल को पहुंच गया है कि आज तो इज्तिमाईयत जो है 99.9% ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय द कलेक्टिव सिस्टम, 0.01% इंफरादियत रह गई आज। जब तक यह निजाम दुरुस्त नहीं होगा तो उसके अंदर फर्द जो है वो सांस ले नहीं सकता आजादी के साथ।